नगर परिषद सोना चेयरपर्सन प्रत्याशी भाजपा द्वारा धन्यवाद करना चाहूँगी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिला अध्यक्ष गावी कक्कर जी का और विधायक कुंवर संजय जी का और सभी कार्यकर्ताओं का। मैं सोना में रहती हूँ, अगर सोना की जनता मुझ पर विश्वास कर विजयी बनाती है तो मैं कम से कम समय में उनका विकास करूंगी। मैं नामांकन भरता हूं, हवन किया इसको लेकर, तो क्या कहना है सबसे पहले? अब हवन करने के बाद में अब कार्यालय का उद्घाटन हो गया, अब यहां पे सारी हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम और हमारी अपनी पर्सनल टीम सभी मिलकर यहां पे रणनीति बनाएगी और हर वोटर पे जाने की कोशिश करेगी। किस प्रकार रणनीति जागी जाएगी सर? हमारी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पहले से ही तय है, वो हर एक पन्ना प्रमुख तक लेके एक एक वोट तक लेने का हमने पहले ही अपना तैयार किया हुआ है। जिस प्रकार देखा जा रहा है बीजेपी से लोग काफी नाराज है, सोना की बात करते हैं, गुड़गांव की बात करते हैं, बीजेपी से लोग काफी नाराज चल रहे हैं, तो क्या कहना है? ऐसा नाराजगी कुछ लोगों की हो जाती है, बाकी उनको भी हम मनाएंगे, अपने साथ रहेंगे, वैसे ज्यादा नाराजगी है नहीं। किन किन मुद्दों पर लेकर फोकस ज्यादा होगा आपका? शहर के किसी भी तरह की कोई समस्या सभी विकास का ज्यादातर यहाँ मेडिकल की और अनाज मंडी में ज्यादा समस्याएं आती है जो देखी जाते हैं बारिश के मौसम में भी और नॉर्मली जो आ रही है उसको लेकर। अब वो जो कोई नाले की या कोई वैसी कोई समस्या है, पुल की है, पानी रुकता है जहाँ पे कहीं की, उसको सभी को अपने ध्यान में रखते हुए पहली प्रायोरिटी पे पहले उसका काम करेंगे। निकाय चुनाव जैसे दिन प्रति नजदीक आते जा रहे हैं तो पार्टी किस प्रकार प्लान कर रहे हैं? पार्टी तो घी जाल लगा रखा है, हर तरह से कोशिश करती है कि शहर में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना रहे और लगी भी रहेगी और इसी तरह से हम काम करेंगे। आपके लिए सामने सबके पास जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी आपके कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी लगातार जिस प्रकार काम कर रही है, लगातार कैंडिडेट्स को बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक खतरा सा नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं टक्कर वो देगी, तो क्या कहना है आपको लेकर? ऐसा यहाँ पे आम आदमी पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है, ये तो एक उछाला जाता है नाम किसी का भी, और नाम उछालने से कुछ नहीं, जो धरातल पे जो काम किया जाता है, जो जमीन स्तर पे काम किया था उससे लोग जीत पाते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार जो आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार पे काम किया है, लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, एजुकेशन का फंडा सही नहीं है, तो क्या कहना है? ऐसा ये तो विपक्षी तो बोलती है, वैसे कोई कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो मीडिया जो है उसको सामने लाती, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार कोई मामला है ही नहीं, विपक्ष का काम तो ये है कि सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है सरकार की। लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।